पानी जो पुल है, मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ शहर के एमएलए साहब और दूसरी तरफ जनता दल ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि नुमानी पुल हमारे वजह से बनेगा। कोई बोल रहा है हमारे वजह से बनेगा, कोई बोलता है कि 8 दिन के अंदर बना के बताओ, कोई बोलता है कि 2 करोड़ खर्चा होगा। मैं भी देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन उस ताल्लुक से मुकम्मल खुलासा, उसकी बुनियाद कैसे हुई रखी गई, वो किसकी सोच थी, वो किस वजह से बना और बना क्यों, कौन से पैसे से बना, ये तमाम तफसील हम लोग 2-3 दिन में 4 दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सबूत के साथ हम लोग आवाम के बीच में आएंगे और उसके ऊपर पूरा खुलासा हम लोग करेंगे। कल रात में मुझको मालूमात मिली कि राजा नगर के अंदर कोई पब्लिक मीटिंग रखी गई, राजा नगर की बस्ती को बसने के लिए कई बरसों हो गए। 3 साल पहले भी वहाँ पर कुछ लोग आए थे, इन्होंने कोई पॉलिटिकल लोगों ने, कोई बिजनेसमैन ने वो ज़मीन को राजा बहादुर के परिवार से ख़रीदा और ख़रीदने के बाद वहाँ के लोगों को धमकी देकर, नोटिसें देकर, और वो ज़मीन बोले आप खरीदी ले लो, पैसा हमको खाली करके दो, इस तरीके के पीछे भी बात आई थी। फिर एक मरतबा कल फिर इस तरीके से हरकत शुरू की गई, दबाया जा रहा, धमकाया जा रहा और कुछ सियासी लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा मैनेज करके। मैं आपके चैनल के ज़रिए राजा नगर की आवाम से ये अपील करता हूं कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। 3 साल पहले भी हम आपके साथ खड़े थे, आज भी खड़े, इंशाल्लाह कल भी खड़े रहेंगे। और कोई अगर दादागिरी करता है, कोई ज़बरदस्ती आपसे रुपया पैसा मांगता है, तो किसी को ना दे। राजा नगर पंच कमेटी की तरफ से मैंने खुद साथ में जाकर मालेगांव कोर्ट के अंदर केस दर्ज किया हूँ, प्रांतों को दिया हूँ, असेंबली के अंदर बात उठाई गई थी। हमारी कानूनी लड़ाई जारी है, तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। राजा नगर की आवाम से मैं अपील करता हूँ।